जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो चाटुकार की, जय हो चाटुकार की, जय जय चाटुकार, चाटुकार क्या होता है? मेरी मैना अभी तक नहीं आई है यार। अच्छा मैना आ जाएगी। अच्छा सुनो, जब तक मैना आती तब तक तुम चाटो। अरे मैं तब चाटुकारी का करते नाचो रे। अरे क्या हुआ तोता? तुम क्या लग रही हो? मैं सच में बहुत अच्छी लग रही हूँ, क्या बताओ ना, बताओ ना। अरे दम कंगना नहीं, कटरीना, कटरीना की तो शादी ना हो गई जी। आलिया डम। अरे थैंक यू आलिया का भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लगता है तुमने सीरियसली ले लिया। मैं तो इतना नाराज होने की क्या बात है, मैं चाटुकारिता की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, सोचा तुम्हीं पे आजमाऊं। देखो तोता, मुझे चमचा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं साफ साफ और सच बोलना चाहती हूँ। साफ साफ और सच, साफ साफ और सच बोलने वालों के घर आजकल ईडी का छापा पड़ जाता है, इनकम टैक्स वाले पहुँच जाते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। अरे जो भी हो, लेकिन मुझे झूठ और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शुरू से ऐसी रही हूँ और अब अपना स्टाइल बिल्कुल नहीं बदल सकती। बदलना होगा, जो सब लोग करें वही करना होगा। हमेशा मीठा मीठा बोलो, बोलो कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अरे तोता, सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है? देखो मैना, आजकल बुरा बोलने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। बोलो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, एकदम मजा आ रहा है, इतने अच्छे दिन कभी नहीं आए। अब ये भी कोई बात हुई क्या, बताइए। देखो मैं हर हाल में खुश रहता हूँ, खाना मिले न मिले कहता हूँ, पेट एकदम भरा हुआ है। अरे कलुआ, तोता बोलेगा? तोता जी रोटी खाइएगा। सुनने का बात है, अभी तो बोल रहे थे कि पेट भरा हुआ है, अब बताओ क्या बता रहे थे, पहले बताओ। हाँ, मैं किसी को गलत नहीं कहता, ये भी अच्छा और वो भी अच्छा, हर समय हंसता गुनगुनाता रहता हूँ। देखो तोता, इस तरह की नकली हंसी ज्यादा दिन तो नहीं टिकती, असलियत सामने आ ही जाती है, खुद को कितना व्यस्त बनाओगे। वाह, जब पूरे कुएं में ही भंग पड़ी है तो क्या करें, जब मूर्खों को ही पुरस्कार मिल रहा है तो क्यों ना बन जाए हम भी मूर्ख। मुझे कहानी याद आ रही है। देखे तुरंत नानी याद दिला दिए हैं। नानी पगले, कहानी कहानी। कौन सी कहानी? अरे वही हसमुख नवाब वाली। हसमुख नवाब? तो सुनो, किसी जमाने में हसमुख नाम का नवाब हुआ करता था, वो हर समय हंसता ठीक लाता रहता था और वो चाहता था कि उसकी रियासत में रहने वाले सारे लोग उसी की तरह हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। पर पता है तोता, हद तो तब हो गई जब उसने हंसा हंसा कर लोगों की ले ली जान। अरे ऐसे नवाब पर तो जाऊं मैं कुर्बान। मामला इतना नहीं है आसान, मेहरबान कदरदान, मेहरबान कदरदान। जब किसी के कहने पे हंसना पड़े तो हंसी बड़ी जालिम होती है, बड़ी जालिम होती है। अरे पहेलियाँ मत बुझाओ, सीधा कहानी पर आओ। तो सुनो कहानी। ए, जो जितना चाहते हैं तलवा खाए उतना पूरी हलवा, जो जितना चाहते हैं तलवा खाए उतना पूरी हलवा, जो जितना है ज्ञान बढ़ाए उसका बनता दार, जो ज्यादा है ज्ञान बढ़ाए उसका बनता दार। जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार। बोला हैया हैया है, खास आम को इत्तिला दी जाती है कि अपनी ताज पोशी के बाद नवाब हसमुख खान आज से हमारे मुल्क की कमान संभाल रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए। Thank you.
मैडम आपकी तारीफ। मैं नवाब साहब चाहती सेक्टर का काम संभालती हूँ। और ये सब क्या लगवा रहे हैं? ये इसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है मैडम? इसके स्क्रीन पे जो भी लिखेगा नवाब साहब देख कर कहेंगे। इसका मतलब कि नवाब साहब भी देख कर ही बोलते हैं। नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। मजा आ गया दोस्तों। हेलो मोबाइल भाइयों और बहनों, आप सबके बीच आकर मैं बेहद खुश हूँ। मुझे फख्र है कि मुझे एक ऐसी मुल्क की कमान मिली है जो बेहद खुशहाल मुल्क है। आज हमारे मुल्क में कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, चारों तरफ फसलें लहलहा रही, हमारे कारीगर बेशकीमती सामान बना रहे, हर हाथ को काम मिली है, बुजुर्गों को आराम मिला है, और हमारे सिपाही सरहद पर मुस्तैद है। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज देखी और वो है हंसी। सब कहते हैं कि और बच्चों की तरह मैं हंसता हुआ नहीं, रोता हुआ पैदा हुआ। नहीं, मैं हंसता हुआ पैदा हुआ था। मैं आप सबके चेहरे पर केवल हंसी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हंसी ज्ञान ही आ जाए, हंसी का सलाब आ जाए। तो इसी बात पे जोर से हंसी है। खामोशी है भाई। अभी भी खामोशी लगता है आपको। मेरी ताज खुशी से खुशी नहीं। नहीं नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है, मैं बेहद खुश हूँ। अरे तो फिर आप अपनी खुशी का इजहार क्यों नहीं कर रहे? हुजूर, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं बेहद खुश हूँ। अरे आप हमारे वजीर आजम हैं, आपके ऑटो पर तो फब्बारों की तरह से फूटने चाहिए। असल में बात कुछ हाल क्या है, बात यह है कि आप अब बूढ़े हो, अब आपको भाई ले जाए, अब इनकी आराम की सख्त जरूरत है। हुजूर ऐसा मत कीजिए। अब हमारे मुल्क के लिए एक नौजवान वजीर आजम की जरूरत है, इसके दिल में जज्बा और चेहरे पे मुस्कान। मुझे खिदमत का बस बस एक मौका दिया जाए तो मैं आपकी जज्बे को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दूंगा। अरे वाह, बस तुम किस बिना पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो? मेरे खानदान ने आपकी खिदमत। मैं नौजवान हूँ और मैं चार पांच तरीके से हंस सकता हूँ। सुना अपना मेरा, एक नहीं दो नहीं चार पांच तरीके से जनाब हंस सकते हैं। यही थोड़ा आगे बस बस बस, चार पांच तरीके वाली हंसी दिखाइए। जी हजू हंसी हंसी आइए वाला। रोने लगे, दर्द हुआ, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। भाई ले जाओ उसे करवाश में डाल दो। जाइए, ये हमारे मुल्क के नौजवान जो वजीर आजम बनने के ख्वाब रखते हैं। और भी है कोई दावेदारी पेश करने वाला? हुजूर, मैं भी अपनी दावेदारी पेश करता हूँ। आपकी तारीफ हुजूर, मैं 10 तरीके की हंसी निकाल सकता हूँ। सुना, चार तरीके
तरीके वाले से 10 तरीके वाले से दिखा दो। आई हां सी पर वो 10 तरीके वाले ऐसे दिखाइए। शाबाश शाबाश, मुझे ऐसा ही बनना चाहिए जो हर हाल में हंसता। तुम्हारे जैसे लोग मुल्क की तरक्की के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अरे रो रहे हैं। हर हमले में मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो हर हाल में हंसता। लीडर अफसर और पत्रकार ये सब मक्खन ले बनार, लीडर अफसर और पत्रकार ये सब मक्खन ले बनार, लेप लेप के बढ़ना आगे अब है शिष्टाचार जी, लेप लेप के बढ़ना आगे अब है शिष्टाचार जी। जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की। हंसो हंसो जल्दी हंसो, अब हंसी का राज है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, अब हंसी का राज है। जो रोएगा वो खोएगा, जो हंसेगा वो पाएगा। हंसोगे तो आगे बढ़ोगे, हंसोगे तो आगे बढ़ोगे। बात क्यों उड़ाए थे? अरे डरो मत भाई, बेखौफ रहो, बिंदास रहो। हंस क्यों रहे? मैं अजीब सा दिख रहा हूँ क्या? मुझमें कुछ लगा हुआ है क्या? सुन लो, अगर इस मुल्क में रहना है तो हंसना होगा। चलो हंसो हंसो भाई, अरे हंस रहा है। शाबाश, इसी तरह हंसते रहना। जाओ सबको बता दो, नवाब हसमुख का फरमान है हर आमो खास को हर वक्त हंसते रहना, जो हंसेगा वो आगे बढ़ेगा। चल हंसते हुए जाना, चल चल। हर कोई हर हाल में हंसते हुए नजर आना चाहिए। जी जनाब। सिंबल क्या था? कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम, ए कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। भाई केला है, केला है, केला है, केला है, किलो किलो 30 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, केला है, धनिया 30 रुपए किलो, 37 रुपए किलो। भैया हां नडवा के अभी का भाव चली था 230 के, 230। अब पिछला महीना तो 150 रुपए में लेके आ रही हो। हां तो ले गेला हो, बड़ा गेला है, बड़ा लूट मचा के रख ले हमारा, हम लूट मचा के रख ले। ऊपर ही से महंगा हो कई दिन आदमी आपको घर से ला के देगा। महंगाई तो बढ़ ले जाए, हर चीज महंगा हो गया है, गरीब आदमी कहाँ से बन पेट भरते जी। क्या बोल रहा था? कुछ ना सर, अब बोल रहे थे कड़वा तेल महंगा हो गया, गरीब आदमी कहाँ से अपन पेट भरेगा। चल बेटा वाला, अब वही चक्की पीस कर खाना। हमें कहा कहलू है सर, तुमने सही फरमान के हुक्म दिल के। चल नहीं नहीं सर, हम ऐसे कुछ नहीं किए हैं। अरे बुआ तुरा पता ना हो कि अब हर आदमी के हर गाड़ी हंसते रह लाए और दूसरा पक्का जैसे मुंह लटके ले। हमें कुछ समझ लियो ना सर, जो कहना है हंस कर कहो। कैसे खुश होकर कहें सर, महंगाई कोई खुश होने की चीज है का? बताइए आप लोग। वो सब हम नहीं जानते, नवाब साहब का फरमान है
कि हर हाल में आतना चल हस सलाम हमरा के माफ कर दी सर हस सलाम हस सलाम करी सर हस 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 मिलो एक बार आ गया धर 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 तो क्या बात है मैं सरकार बहुत तकलीफ है तकलीफ में हंसी है नवाब के हुकूमत में किसी को कोई तकलीफ नहीं देखो सबको सहाल है मुल्क तरक्की पे तरक्की करा तुम मनाए की तकलीफ है लेकिन मुझे तकलीफ फिर तुमने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया हसमुख नवाब का हुकूमत में इस लफ्ज का इस्तेमाल करना गुनाह है समझा मेरे दांत में दर्द है भाई साहब दर्द यह भी एक बुरा लफ्ज है इस मुल्क में कोई दर्द नहीं हो सकता मेरे दांत में खुजली है हंस कर बोल हंस के कैसे बोलूं मेरे दांत में खुजली है वाह भाई वाह 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 जा 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 जो हंसेगा वही आगे बढ़ेगा भूखा ना सरकार की मदद कीजिए हंस के बोलेंगे तो कोई भीख नहीं देगा धंधा बंद करवाइएगा मालिक मुझे मालूम नहीं नवाब साहब का फरमान है कि हर समय हर किसी को हंसना है चलस मैं कैसे आ सकता हूँ सरकार और नहीं छोड़ूंगा फन्ने खा को बहुत दिन से दोहरा रहा प्रसंग फन्ने खा ओ फन्ने खा भाई जी अच्छी लगा के हाँ ठीक है अन्य खा तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए भाई जीएसटी लगा के पैसे देता हूँ इस बार तो सारी फसल बाढ़ में मारी गई हमारा तो गुजारा करना देना तो होगा वो भी जीएसटी लगा के कुछ हो तो दे पाना रहने दो पन्ने पैसे दो पैसे वो भी जीएसटी लगा के मैं नहीं दे सकता इस बार पूरे इलाके में यही हाल है किसी से पूछ लीजिए बकवास मत कर कर्जा लौटा दो भाई वरना सख्ती करनी पड़ेगी ऐसा मत कीजो इस बार इंशाल्लाह चुका दूंगा चुप मारेंगे 74 पे तो 75 हो जाएगा देगा कि नहीं साफ साफ बोल ठीक है ठीक है कुछ दिनों को मोहलत दीजिए कुछ इंतजाम करता हूँ पहले ही काफी मोहलत ले चुका है अब एक रास्ता है फलने का मैं तेरे हल बैल लेकर जाता ऐसा मत कीजो अच्छा मैं तेरे हल बैल लेकर जाऊंगा आगे से ये साला ना सुधरेगा कौन रो रहा है बे कौन रो रहा है बे मेरे हल बैल उठा करके ले गया कसाई है वो तो मैं खेत की जुताई कैसे करूंगा तुझे मालूम नहीं कि रोना गुनाह है तो क्या इस पर मैं हंसू कि वो मेरे हल बैल उठा करके ले गया हंसो अरे हाल में हंसना है अरे किसान के चेहरे पर हंसी तो तब आती है जब इस खेत में फसल लहलाओ उठते खाने की थाली दूध दही से भरी होती है आज तो माता पेट खा कर रह रहे हैं वो सब हम नहीं जानते नवाब साहब का फरमान है कि हर हाल में हंसना चलस पागल हो गया नवाब अरे मरा नहीं ठीक से देख अरे ये तो हंस रहा हंस रहा है मरने के बाद भागो आ जाओ भैया आ जाओ भैया हम कहे ये कैसा सफर रुकने का नाम ना ले वो बात पहली मैं कहना कुछ और चाह गम की लंबी अंधेरी रात फिर भी ना तू हो और भी तो हंस रहा नाचीज को स्माइल कहते हैं करते क्यों नहीं स्माइल अच्छा तो आप शायर हैं जी वैसे करते क्या है क्यों शायरी करना कुछ करने में नहीं आता नहीं नहीं अभी क्या फरमा रहे थे वो गम की अंधेरी रात यही कि गम की रात खत्म नहीं हो रही गम है इनको भाई अभिषेक बंद कर गम का है ये कैसा सफर
लीडर अफसर और पत्रकार ये सब मक्खन ले पनहार, लीडर अफसर और पत्रकार ये सब मक्खन ले पनहार। लेप लेप के बढ़ना आगे अब है शिष्टाचार जी, लेप लेप के बढ़ना आगे अब है शिष्टाचार जी। जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की। चमचा चढ़ता जाए शिखर, बाकी सब लागे चमचा चढ़ता जाए शिखर, बाकी सब लागे जी। किसी गले को गले लगा कर करना मेरा पार जी, किसी गले को गले लगा कर करना मेरा पार जी। जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की, जय जय चाटुकार की। क्या है हमारी रिया का हालचाल? अरे पूरे मुल्क में हंसी खुशी का माहौल है, जरूर चारों तरफ फुहार के छूटे लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। अरे वहाँ कुछ लोग हैं जिनके चेहरे पर अब भी मायूसी छाई हुई है, कुछ आलिम कुछ शायर। किस बात की मायूसी है? अरे बेमतलब, उनका कहना है कि मुल्क की खुशहाली की बात बेमानी है, महज जुमलेबाजी। अरे आलिम ये शायर ये सब बोझ हमारे, ये न खुद कुछ करते हैं न दूसरों को कुछ करते हैं। मुल्क की तरक्की में इनकी कोई भागीदारी नहीं है, एक स्कूल तक नहीं बना सकते ये, एक पौधा नहीं उगा सकते, बस बैठकर फलसफा देते रहते हैं। अरे हमारे पिछले हुक्मरानों ने इन्हें सर पर बैठा कर रखा था, हम इन्हें इनकी औकात बता देंगे और हमें हमें हंसी फैलाने से नहीं रख सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, इस बार मैं अपनी वर्षगांठ पे एक ऐलान करने वाला हूँ जिससे हंसी का जलजला जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हसमुख नवाब का एक खास ऐलान बदलने वाली है तुम सबकी किस्मत। सुनो सुनो, जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके नीचे गरा है हजारों टन सोना सोना सोना। नवाब साहब को अपने महल के तहखाने में मिला है एक छुपे हुए खजाने का नक्शा। खजाने से जो कुछ निकलेगा वह मुल्क के लोगों में बराबर बराबर बटेगा। नवाब साहब का ऐलान है कि हर किसी को 2 किलो सोना मिलेगा। 15 लाख बिल्कुल मिलेगा भैया, तो हमको भी मिलेगा। जिस किसी ने भी इस मुल्क में जन्म लिया है उसे मिलेगा, चाहे वो आम हो काला हो या गोरा, छोरी हो या छोरा, 2 किलो सोना हर घर पहुंचाया जाएगा। कल से ही शुरू होगी खुदाई जिसमें हर किसी को शामिल होना है। आसिया आसिया, अरे आसिया सुन ली ना वो खुशखबरी, अरे सोने वाली अब तो पान जा, तुम्हारी यही शिकायत थी ना कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता, नौकरी नहीं करता। अरे अब नौकरी करने की जरूरत क्या है, 2 किलो सोना तुम्हारे पास, 2 किलो सोना मेरे पास, दोनों मौज से रहेंगे। हाँ हाँ, जब मिलेगा तब देखेंगे। क्या बोल रही हूँ, क्यों नहीं मिलेगा? अरे नवाब साहब ने कहा है, कोई मजाक है? सोचो 4 किलो सोना मिलने के बाद जिंदगी कितनी बदल जाएगी, कितना मजा आएगा। हम घूमेंगे फिरेंगे और अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खूब खेलेंगे। अरे सलमान सुना आपने? सुना, हसमुख नवाब क्या ऐलान कर रहे थे हमने भी सुना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि 2 किलो सोना मुझे मिलेगा। अब क्या, अब तो अपनी जिंदगी बदलने वाली है। अब देखना महाजन को सारे कर्ज चुका दूंगा और अपने बैल भी छुड़ा लूंगा, 2 बैल और खरीद लूंगा, और तो और अपने ढाते हुए घर को फिर से बनवा लूंगा। फिर भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे
हसमुख नवाब तेरा जवाब नहीं, तेरा एक बाल बुलंद हो। हसमुख नवाब जिंदाबाद, हसमुख नवाब जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, मुझे बेहद अफसोस है कि हम खजाने तक नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला। हमारे बीच ही कुछ गद्दार थे जिन्होंने पड़ोसी मुल्क के इशारे पर नक्शे में फेर दिया, सही नक्शा चुरा कर गलत नक्शा रख दिया और हम गलत जगह पहुंच गए। ये पड़ोसी मुल्क नहीं चाहता कि हम और खुशहाल हो, हम दुनिया में सबसे अमीर मुल्क बन जाते। हम उनका यह गुनाह कभी माफ नहीं करेंगे। हम उन पर हमला करेंगे और उनसे उतना सोना छीन कर वापस लाएंगे जिससे मैं हर शख्स को 2 किलो सोना बराबर बराबर दे सकूं। तो आप सब तैयार हैं हमला करने के लिए? तैयार है। बस हुजूर, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, हम अभी जंग नहीं लग सकते। हमारे पास बस 2 दिनों का गोला बारूद बचा हुआ है और हमारे पास घोड़ों की भी कमी है। पिछली हुकूमत में घोड़ा घोटाला हुआ था और हमारे फौज में कमजोर और नकाबिल घोड़े भर दिए गए थे। नकाबिल बोली बोली क्या बोला था पूरा बोलिए। और पिछले कुछ समय से सिपाहियों की भी भर्ती तेजी से नहीं हो पाई है। अरे बेवकूफ, मैंने कब कहा कि हमें जंग लड़नी है? अरे जंग तो हम चुनाव से पहले लड़ा करते हैं। बस मुल्क में जंग का माहौल बनाए रखो। समझ गए? जी हुजूर। चलो हसमुख जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आधा पेट रह कर भी हड्डी निकल पहन कर भी, जो आधा पेट रह कर भी हड्डी निकल पहन कर भी, करे शाहे वक्त की जय जयकार। अरे ऐसे ही वक्तों से चल मांगते हुए। आज हमारे सिपाही सरहद पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और तुम नौकरी मांग रहे हो। वाह 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 वाह। कितना तक पढ़ाए हैं सर? मैंने MBA कर रखा है। MBA मतलब A4 मैदा, B4 बेसन और A4 आटा। जब तीनों का योग्यता लेकर बैठे हुए हो तो जाकर पकौड़ा तालो। कहां नगर निगम की तरफ भाग रहे हैं बे? जाओ जाओ जाकर पकौड़ा तलो और देश को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करो। तुम नौजवान हो भाई, जाओ देश का सहयोग करो। फरमाइए। ये सियासत है, लानत है सियासत पे सदा। ये सियासत है, लानत है सियासत पे सदा। खुद ही मुजरिम बना है, कानून बना है। क्या बात है, कुछ आप ही फरमाइए। मैं जरूर, नजर वाले की आंखों में हिंदू और मुसलमान दिखता है। नजर वाले की आंखों में हिंदू और मुसलमान दिखता है, मगर जो अंधा है। लेकिन साहब जो अंधा है उनकी नजरों में तो हर शख्स सिर्फ और सिर्फ इंसान दिखता है। हमारे बाद अभी आए निकल जाए।
अर्ज किया है जनाब, वाह वाह वाह, कि जून के महीने को विंटर बना देगा। वाह वाह, जून के महीने को विंटर बना देगा और बारहवीं के बाद तुम सबको इंटर हमारे नवाब साहब, बाबा हमारे नवाब साहब जो इतने रहम दिल है, हमारे नवाब साहब जो इतने रहम दिल है, मैंने तुम सबको आखिरी मौका दिया है, सब लोग नवाब साहब से माफी मांग लो और वादा करो कि नवाब साहब ने मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी काम किए हैं उनकी तारीफ में शायरी लिखोगे, लोगों को हंसाने के लिए लिखोगे, ऐसी शायरी लिखोगे कि जंग में खड़े हमारे सिपाहियों का सीना चौड़ा हो जाए और पड़ोसी मुल्क का हौसला पस्त हो जाए। मैं लिखूंगा ऐसी शायरी, मैं नवाब साहब से माफी मांगने को तैयार हूँ। शाबाश शाबाश, ये आप क्या कर रहे हैं भाईजान, तुम में से और कोई, आखिरी मौका है ये, सोच लो किसको आना है, जल्दी आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जाओ चलिए जनाब। मैना ऐसा कब तक चलेगा, कब तक लोग इस तरह अपने दुख को दबाए जीते रहेंगे, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। बिल्कुल हद होती है, हर चीज की हद होती है, तुम्हें क्या लगता है दोस्त, नवाब का खेल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे तो लगता है चलता रहेगा, जब उसके खिलाफ कोई बोलने वाला है ही नहीं तो फिर उसे क्या तकलीफ हो सकती है वाला। अरे नहीं तोता, वक्त हमेशा एक जैसे थोड़ी ना रहता है, वक्त हर किसी का बदलता है, राजा का भी और प्रजा का भी। तो आगे सुनो क्या हुआ। हुआ ये कि हसमुख नवाब के इकलौते बेटे को एक अजीब सी बीमारी हो गई, पूरे शरीर का तापमान बढ़ गया, वो हर समय तड़पता रहता और तो और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होने लगी। पता है तोता, पूरे मुल्क के हकीमों ने उसके इलाज में एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाप रे बाप, ऐसा बीमारी ना सुनो हजी। क्या हुआ, इस तरह मुंह लटका कर क्यों खड़े हैं आप? मैंने तो सारी हिकमतें आजमा कर देख ली, दवा खिला के, कोई असर नहीं हो रहा है हुजूर, दवा खिला के। कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा छोटे नवाब को ठीक करने का। अभी हमारे उस्ताद होते तो शायद वो कुछ कर सकते थे दवा खिला के, लेकिन कहाँ है आपके उस्ताद? अब मैं क्या बताऊँ हुजूर, वे आपके गुनहगार है दवा खिला के। मैं समझा नहीं। वे जेल में है हुजूर दवा खिला के। क्यों हुजूर, में कभी हंसते नहीं थे पर हर वक्त उनके चेहरे पर 12 बजा होते थे और फिर आपका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि आपने इल्म और तालीम की ऐसी की तैसी कर दी है। ठीक है छोड़ दो उसे, आगे क्या करने बताओ, आप ही कुछ जुगाड़ लगाइए। हुजूर हमारे उस्ताद के पास एक किताब हुआ करता था, उसमें दुनिया के सारे मर्जियों के बारे में लिखा हुआ था और उसके इलाज के बारे में भी। कुछ साल पहले उन्होंने वो किताब मुझे दी थी, मैं लेके आया। लेकर आओ, लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। इस किताब को जल्दी से पढ़ो, उसका तर्जुमा करो। हुजूर एक दिक्कत है। क्या? मैं इसे पढ़ नहीं सकता हुजूर। क्यों? ये क्रिस्तानी जुबान है हुजूर। क्रिस्तानी? ये कौन सी जुबान है? ये सात समुंदर पार बोले जाने वाली जुबान है हुजूर, जो मुझे नहीं आती। कोई अगर इसका तर्जुमा कर दो तो ठीक है। दुभाषी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ दुभाषी को। अरे हंसना बंद करो और खामोश होकर इस किताब को पढ़ो और इसका तर्जुमा करो। आखिर चाहूंगा मुझे ये जुबान नहीं आती। दो जुबानें जानते हो? दो जुबान हुजूर, एक मादरी जुबान और एक पड़ोसी मुल्क की जुबान। दुभाषिया किसने बना दिया? इन्होंने हुजूर। दो जुबान जानने वाले को तुमने दुभाषिया बना दिया? हुजूर अब हमारे मुल्क में कोई क्रिस्तानी पढ़ता नहीं, अब हमारे दुभाषिया ने नौकरी छोड़ दी और वो विदेश जाकर बस गए, उनकी जगह मैंने इन्हें रखा है। हमारे मुल्क में कोई किसानी नहीं पढ़ता, किसी भी मकतब में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी क्यों लगाया तुम? आप ही कहते हैं ना, एक मुल्क एक जुबान एक मजहब,
मैं तो उन लोगों को भी इस मुल्क से ही बाहर निकाल दिया जो हमारे और आपके मजहब को नहीं मानते, और जो बच गए हैं उनका रजिस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है, उन्हें अपने दादा और परदादा का कागजात दिखाने को कहा गया है, अगर वो कागजात नहीं दिखाते हैं तो उन्हें भी इस मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। और हुजूर, अब हमारे मजहब वाला क्रिस्ताने क्यों पड़ेगा? अरे बकवास बंद करो, किसी ऐसे शख्स को फौरन हाजिर करो जो क्रिस्तानी जुबान जानता हो। हुजूर, एक शायर है जो कई जुबाने जानता, हो सकता है कि वो क्रिस्तानी भी जानता हो। कहाँ वो? क्लोज से। वो भी हवालात में है हुजूर। वो भी हवालात में और वो भी हवालात में, लेकिन क्यों? इस मुल्क के वो सारे शायर हवालात में हैं जिन्होंने आपके फैसले की मुखालिफत की, वो सब लोग हवालात में हैं जिन्होंने गम और तकलीफ की बातें की, वो सब लोग हवालात में हैं जिन्होंने आपसे माफी मांगने से इनकार किया। ठीक है ठीक है, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ भाई। इस किताब को जल्दी से पढ़ो, इसका तर्जुमा करो। आप बताइए, क्या इसमें किसी ऐसे मर्ज का जिक्र है कि जिसमें पूरे शरीर का तापमान बढ़ जाता हो, तन बदन में आग लगती हो? देर मत करो, जल्दी पढ़ो, बहुत महंगा इनाम दूंगा मैं तुम्हें। हस्मुख नवाब, हमारा ये मुल्क अलग अलग मजहबों, जुबानों और रवायतों का एक गुलदस्ता था। हमने हर तरह के इल्म और फन को यहाँ जगा दिया। हमारा मुल्क शायरों और अदीबों की पसंदीदा जगह रहा, पर तुमने सब खत्म कर दिया, पूरे मुल्क को तुमने तबाह करके रख दिया। चंद अमीरों की अमीरी को तुमने पूरे मुल्क की खुशहाली बताकर गरीबों को झूठा सपना दिखाया और उनकी जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। आज सारे फनकार, शायर, आलिम और सभी संजीदा लोग हवालात में, वही बाहर है जो तुम्हारी जी हुजूरी कर रहे हैं। इस मुल्क में सब तुमसे नफरत करते, नफरत। क्या सर था तुम्हारे, ये बताओ? माफी। माफी? ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तू मुझे क्या माफ करेगा बेगैरत? तू माफी मांग, पूरे रियाया से माफी मांग, उसके पैरों में झुक कर। अरे ये क्या किया तूने? इसकी जुलत तो देखे, ये आपसे माफी मांगने को कह रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मेरे बेटे की आखिरी उम्मीद थी, सिपाहियों ले जाओ इसे करवास बना दो, किसी काम में नहीं रहेगा। छोटे नवाब नहीं रहे। छोटे नवाब? छोटे नवाब नहीं रहे। छोटे नवाब। हसमुख नवाब के इकलौते बेटे की मौत हो गई, लेकिन नवाब ने ये खबर बाहर नहीं आने दी। उसे लगता था कि उससे उसकी कमजोरी जाहिर होगी। वो छुप छुप कर अकेले में रोता रहता था और अपनी दरबारियों के सामने खूब हंसता रहता था। हालांकि उसके सारे दरबारी सहम गए, वो समझ नहीं पा रहे थे कि नवाब का अगला कदम क्या हो सकता है। फिर क्या हुआ? एक दिन जब उसकी छटपटाहट बढ़ गई, तो अचानक ही अपने महलों से निकलकर अकेला ही गलियों में भागा और झोला लेकर गलियों में निकल पड़ा। इस बात का हल्ला मच गया था, और जानते हो, हर देशवासी नवाब साहब के इंतजार में हंसते रहते थे कि हमारे नवाब साहब आ रहे हैं। अरे नवाब साहब आ रहे हैं, हाँ हम खूब हंसेंगे, हम उन्हें दिखा देंगे कि हम उनकी तरह कितना हसमुख है। जनता को बात कर अपना संविधान की, जय जय संविधान की, जय जय संविधान की।
संविधान की, जय जय संविधान की, जय जय संविधान।